सो हे गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज और आज का वीडियो उन सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए जो कि मेरे से पूछ रहे थे। ये सर, TMI का स्क्रीन टेस्ट तो हम लोगों ने दे दिया है, ये स्कोर आ गया है, क्या ये एक सेफ स्कोर है या फिर इसके बाद अभी TMI अपना खुद का इंटरव्यू लेगी क्या, जैसे IMI लेती है अपने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी, तो क्या TMI का भी ऐसा कुछ प्रोसेस है, या उसके बाद की जो यहाँ पे कंपनीज आएंगी उनका खुद का टेस्ट होगा या नहीं होगा इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। तो ये सारे डाउट्स मेरे को पूछे जा रहे थे TMI स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड, तो आज उसको ही क्लियर करूँगा मैं और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा TMI का, मेरे टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस क्या था एप्लीकेशन फॉर्म का और कैसे मुझे टॉम से कॉल आया था। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात कर ले, तो स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने TMI का फॉर्म फिल किया होगा फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज स्पॉन्सरशिप, तो आपको पता होना चाहिए TMI एक इंस्टीट्यूट है, उसकी कंपनी है, बट उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 120 सीट भर ले। TMI के पूरे 120 सीट होते हैं फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो वो बहुत सारी कंपनीज को बुलाती है टू गिव यू स्पॉन्सरशिप। तो वो कंपनीज जो आती हैं तो वहाँ पर बच्चों को भेजने के लिए, मतलब उनको बच्चों का नाम देने के लिए कि आप इन इन बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कराओ या फिर इन इन बच्चों का आप टेस्ट कंडक्ट कराओ, तो उनके लिए एक उनको बेस चाहिए होता है। तो पहले क्या होता था, मेरे टाइम पे ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता था, स्क्रीन टेस्ट नहीं होता था, जस्ट आपके PCM परसेंटेज पे आपको जज करके भेज दिया जाता था कंपनी के पास आपका नाम, तो वो कंपनी आपका टेस्ट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराती थी। बट अभी क्या है कि TMI ने एक स्क्रीन टेस्ट वाला सिस्टम शुरू कर दिया है कि बिफोर सेंडिंग योर नेम टू द कंपनीज दे विल बी अ स्कोर इन देयर हैंड, आपके उनके डेटाबेस में एक स्कोर होगा जिसके बेसिस पर आपको वो जज कर पाएंगे, PCM परसेंटेज होगा जिसके बेसिस पर आपको जज कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी और ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका आपका नाम डायरेक्ट कंपनी को सेंड करने के बीच में इन लोगों ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट ऐड कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे को ये आ रहा है कि सर, मेरा अभी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ, मैंने भी फॉर्म फिल किया था फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो अभी क्या है कि अभी स्लॉट वन है, एप्लीकेशन फॉर्म स्लॉट वन के बाद भी खुले हुए थे, तो अभी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये स्लॉट वन है, मे बी स्लॉट वाइज एग्जाम होगा, तो आपका अगले स्लॉट में सेकेंड या फिर थर्ड स्लॉट में आपका नाम आ जाएगा। दे विल कंडक्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, कुछ बच्चों के लिए ही बस नहीं कराएंगे, वो सारे बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द सेफ स्कोर या फिर कोई कट ऑफ, तो ऐसा कुछ नहीं है, TMI कभी रिलीज़ नहीं करता या फिर किसी को कभी मेल नहीं किया होगा कि ये मेरा कट ऑफ है फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ऐसा कुछ अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। बट आई हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया था मेरे से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप DMs में, तो मोस्ट ऑफ द स्कोर जो मेरे को मिले हैं ना, दैट इज़ बिटवीन 50 to 55 से 60 के बीच में भी बहुत सारे बहुत कम बच्चे हैं। एंड अगर 60 प्लस की बात की जाए ना, तो 60 प्लस में बडिंग मेरेन्स के मेरे को 3 बच्चों का मैसेज आया था, दे आर गेटिंग 68 67 66, तो ये मेरे बहुत रेयर लगा मेरे को कि हाँ 65 प्लस दे आर स्कोरिंग, एंड वहीं पे बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 55, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अराउंड 55 ही हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि 50 प्लस इज़ गोइंग टू बी अ सेफ स्कोर दिस टाइम इन TMI। आप TMI के DNS स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप दिए हो तो 50 प्लस इज अ सेफ स्कोर, एंड अगर आपको अपना स्कोर बताना तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर प्रोसेस। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर, IMI के स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग इंटरव्यू जैसे होते हैं IMI में, ऐसा ही यहाँ पे भी है क्या कि हम लोग को अभी स्क्रीनिंग टेस्ट का कुछ स्कोर आ गया, अब हम लोग को स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा यहाँ पे TMI में कुछ नहीं होता है, आपका जस्ट टेस्ट होता है, एंड नाउ दे हैव योर टेस्ट स्कोर, एंड उसके बाद उसके अलावा आपका PCM परसेंटेज उनके पास है, उसके अलावा उनके पास आपका इंग्लिश का परसेंटेज है, और ये तीनों बेस हैं, और आपका बाद में IMU CET का रैंक आ ही जाएगा, तो ये चार बेस उनके पास होंगे जिसको यूज़ करके अगर कोई कंपनीज इंटरनली वहाँ पे आती है तो वो उनको शो करेंगे वो आपका डेटा बेस, एंड वहाँ की जो कंपनी जो भी आ रही होंगी वो उनके ऊपर है कि वो किन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं फॉर देयर इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू, आपका कोई टेस्ट नहीं होता है। लाइक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, तो मुझे तोलानी से कॉल आया था कि दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर टॉम, एंड फिर मेरे को टॉम से कॉल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर आवर इंटरव्यू। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट हर जगह होता है, आपका जो कोई भी कंपनी हो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बट जो इंटरनल कंपनी जाती हैं उनका मोस्ट ऑफ द कंपनीज का रिटन टेस्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ पे वॉल्यूम का हो रहा है वो अलग सीन है, बट मोस्ट ऑफ द इंटरनल कंपनीज के आपके टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, देन आप CET क्लियर किए होते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू नाउ, वेट करो TMI का, वेट करो कि वो कब आपको आगे का मेल भेजते हैं, अगर कोई कंपनी आती है वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगी तो आपको मेल TMI के थ्रू आ ही जाएगा कि दिस कंपनी है शॉर्टलिस्टेड यू फॉर इंटरव्यू या फिर ऐसा कुछ, ये प्रोसेस होता है। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉल TMI का एडमिशन सेल डिपार्टमेंट, या फिर आप उनको मेल कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो मैम या फिर सर कोई इंटरनल कंपनीज आने वाली हैं, जो भी आने वाली है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उनको कॉल कर सकते हो। वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस वाले जब सेक्शन में आओगे तो आपको उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो
फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके ईमेल या फिर फ़ोन कर सकते हो एंड आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी आने वाली हैं एंड कोई चांसेस हैं कि नहीं कंपनीज आने के। सो गाइस, दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट TMI स्क्रीनिंग टेस्ट। आई होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप, और कोई भी डाउट रहेगा तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।